फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ परवल और आलू की सब्ज़ी। तो मैंने 1 किलो परवल लिए थे, तो मैंने इनको कट कर लिए हैं। और मैंने 2 आलू लिए थे, उनको भी मैंने कट कर लिए। एक टमाटर लिया था, वो भी मैंने कट कर लिया। 3 हरी मिर्च ली थी, 3 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, वो भी मैंने कट कर लिया। और 10 लाल मिर्च ली थी, इनको हम फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलिए, अब हम कढ़ाई में ऑयल डालते हैं 1 कटोरी। अब ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें मिर्च डालेंगे। ये मिर्च हमें बिल्कुल ब्लैक करनी है, ब्लैक करके निकालनी है। हमारी मिर्च ब्लैक हो गई है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमारी मिर्च ठंडी होने रख दी है। चलिए, अब हम ज़ीरा डालते हैं 1 चम्मच। अब हम इसमें परवल डालते हैं, आलू भी डाल देंगे, और जितना भी सामान हमने कट किया था वो सब डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चलिए, अब हम इन मिर्चों को कूट लेते हैं। कुटी हुई मिर्चों की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। चलिए, हमारी मिर्चें कूट गई है, अब हम इसको सब्ज़ी में डालते हैं। ये देखो, मैंने ऊपर से डाल दी। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अब हम आधा कप पानी डालेंगे और 20 मिनट के लिए इसको पकाने के लिए रख देंगे। चलिए, 20 मिनट हो गए, हमारी सब्ज़ी रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बना